देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है और नए मामलों के साथ मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इसी बीच दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अशोक कुमार वालिया का निधन हो गया। एके वालिया कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। 72 साल की उम्र में एके वालिया ने दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। वो 3 दिनों से लगातार कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे थे। डॉक्टर एके वालिया का पूरा नाम अशोक कुमार वालिया था। उन्होंने 1993 में कांग्रेस पार्टी के साथ अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। यही नहीं, वो दिल्ली से 4 बार विधायक भी चुने गए थे। 3 बार वो गीता कॉलोनी सीट और 1 बार लक्ष्मी नगर सीट से चुनाव जीतकर दिल्ली विधानसभा पहुंचे थे। वालिया का जन्म और उनकी पढ़ाई लिखाई भी दिल्ली में हुई थी। पेशे से डॉक्टर वालिया का पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में एक नर्सिंग होम भी है। शीला दीक्षित की सरकार में डॉक्टर एके वालिया ने राज्य मंत्री के रूप में काम किया था। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य, शहरी विकास और भूमि और भवन विभागों पर काम करने के साथ ट्रांस यमुना क्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी संभाली थी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि डॉक्टर एके वालिया ने अप्रैल 2017 में दिल्ली नगर निगम चुनावों से पहले टिकट नहीं मिलने की वजह से कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर रुपए लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया था। इसके बाद दिल्ली कांग्रेस में हड़कंप मच गया था, जबकि वो पूर्वी दिल्ली में काफी लोकप्रिय थे। हालांकि नगर निगम चुनाव के बाद एक बार फिर उनकी कांग्रेस में वापसी हो गई थी। एके वालिया के निधन से कांग्रेस में शोक की लहर है। वही दूसरी ओर गुरुग्राम के एक हॉस्पिटल में सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी के बेटे आशीष का कोरोना वायरस के चलते निधन हो गया। इस बात की जानकारी सीताराम येचुरी ने खुद ट्वीट कर दी। उन्होंने लिखा, मैंने अपने बड़े बेटे आशीष येचुरी को आज सुबह कोविड के कारण खो दिया। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमें आशा दी और जिन्होंने उसका इलाज किया। दूसरी ओर बता दें कि दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 24,638 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 9,30,179 हो गई है, जबकि 249 कोरोना मरीजों की मौत होने के बाद कोविड महामारी से मरने वालों की तादाद 12,800 के पार हो चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में संक्रमण की दर 31.28% है। लोकमत हिंदी की तरफ से डॉक्टर एके वालिया को विनम्र श्रद्धांजलि। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।